मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें एक ऐसा फीचर है जो कि नॉर्मली कोई भी ब्रांड पाकिस्तानी मार्केट में ऑफर नहीं करता। अब ये वो तमाम चीजें हैं जो इसको मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट मॉडल बनाती हैं। उसके लिए आपको स्पेसिफिक एनवायरनमेंट कंडीशंस को फॉलो करना होगा। चले मैं एक शॉर्ट सी वीडियो भी आपसे शेयर कर लेता हूँ ताकि आपको वैल्यूज याद रहें। तो सबसे पहले हम इसकी ER कैलकुलेट करेंगे। उसके ट्रॉपिकलाइज T3 रोटरी कंप्रेसर के साथ आता है। इसकी प्राइस है ₹1,00,000। Assalamualaikum viewers and welcome back to the channel. मैं हूं आमिर उमर इलेक्ट्रॉनिक्स से। आज हम रिव्यू करेंगे Kenwood के एक नए एयर कंडीशनर मॉडल का जो कि रिसेंटली Kenwood ने इस मार्केट में लॉन्च किया है। अगर मैं बात करूं तो ये May 2024 है। इस प्रोडक्ट का मॉडल कोड है 1865S Eco Ultra। मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें एक ऐसा फीचर है जो कि नॉर्मली कोई भी ब्रांड पाकिस्तानी मार्केट में ऑफर नहीं करता। जहां तक बात आती है इसकी एनर्जी एफिशिएंसी की, तो इसकी एनर्जी एफिशिएंसी बहुत ही हाईली रेटेड है। उसे भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो व्यूअर्स, आपका मजीद टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं प्रोडक्ट रिव्यू की तरफ। तो चलिए हम करीब से देखते हैं कि प्रोडक्ट देखने में कैसी लगती है। ये है ग्रे कलर में सामने डिस्प्ले पे यूनिट। इसकी शेप 1845 से मिलती जुलती है, बल्कि रेप्लिका है, जबकि इसके फीचर्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे 1845 इको प्लस से। ये हीट एंड कूल फुल डीसी इन्वर्टर है। फुल डीसी की सूरत में इसमें लगी पांचों मोटर्स डायरेक्ट करंट पे ऑपरेट होती हैं। अगर मैं इसके हीटिंग एंड कूलिंग BTUs की बात करूँ तो ये 18,000 पर आवर है। इस प्रोडक्ट की मेन मशीन यानी कि इसका कंप्रेसर, ये ट्रॉपिकलाइज T3 रोटरी कंप्रेसर के साथ आता है जो कि एक्सट्रीम क्लाइमेट के लिए डिजाइंड है। ये एनर्जी एफिशिएंट मॉडल है जिसे Kenwood 75% एनर्जी एफिशिएंट कहता है। तो सबसे पहले हम इसकी ER कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे ये 75% एनर्जी एफिशिएंट कैसे हो सकता है। तो चले सबसे पहले इसकी ER को कैलकुलेट करते हैं। अब इस एयर कंडीशनर के इनडोर में लगी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन प्लेट को देखते हुए हम चंद चीजों को नोट करेंगे। उसमें सबसे पहले आता है कूलिंग BTUs, ये 18,000 पर आवर्स होते हैं। और हाँ, यहाँ मैं ये बता दूं कि ER जो होती है वो कूलिंग केस में होती है। सो दूसरी अहम वैल्यू जो हम वो लेंगे वो होगी इसकी कूलिंग करंट इनपुट, ये 1550 है इन वॉट्स। अब हम कूलिंग BTUs को डिवाइड करेंगे रनिंग कूलिंग इनपुट से, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे एक कांस्टेंट वैल्यू से, जो कि 1 BTU इज इक्वल टू 0.293 वॉट बनती है। ये किसी भी टनेज के केस में कांस्टेंट रहेगी, चाहे 1 टन हो, 1.5 या 2 टन। सो इसकी ER जो है 3.4 बनती है। 3 एंड अबव ER जो है वो अच्छी समझी जाती हैं। चले मैं एक शॉर्ट सी वीडियो भी आपसे शेयर कर लेता हूँ ताकि आपको वैल्यूज याद रहे। सो एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो तो आ गई जो कि 3.4 थी। अब ये मॉडल 75% एनर्जी एफिशिएंट कैसे होगा, उसके लिए आपको स्पेसिफिक एनवायरनमेंट कंडीशंस को फॉलो करना होगा। मैं ये कंडीशंस आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिसमें रूम साइज, देन लोकेशन ऑफ द रूम, और इसके अलावा आपकी लोकेशन पाकिस्तान में, जियोग्राफिकल लोकेशन, देन इनडोर की हाइट जो मैक्सिमम 7 फिट पे होनी चाहिए, आउटडोर जो कि शेडी एरिया में लगा हो तो बेहतर है। इसी तरह कोशिश करें अगर रूम में फॉल सीलिंग नहीं है तो ये होनी चाहिए। देन रूम की जो वॉल्स होती हैं उसका एक्सपोजर टू द सन, जितनी कम सूरज की शुआएं पड़ेंगी उतना बेहतर है। देन आपने इस एयर कंडीशनर को ऑप्टिमम लेवल पे कंट्रोल करना है, यानी कि थर्मोस्टैट पे जो टेम्परेचर आप सिलेक्ट करेंगे वो 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के दरमियान होना चाहिए। इसी तरह लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो होता है कि सीलिंग फैन ऑन होना चाहिए ताकि रूम में एयर की सर्कुलेशन रहे। अब ये वो तमाम चीजें हैं जो इसको मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट मॉडल बनाती हैं। और हाँ, इस एयर कंडीशनर में इको मोड भी है। जब आप इसको टर्न ऑन करेंगे अपने रिमोट कंट्रोल से तो ये एयर कंडीशनर की सेटिंग्स को ऑप्टिमम लेवल पे ले आएगा जो कि इसे एनर्जी एफिशिएंट मॉडल बनाएगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि अब मैं इसके मेन फंक्शन और इसकी प्राइस को भी एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले मैं इसके बाकी फंक्शंस और फीचर्स को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये स्मार्ट एयर कंडीशनर है, वाईफाई फंक्शन के साथ आता है। इसके इंडोर और आउटडोर में गोल्डन फिन लगी हुई हैं, जो कि एंटी क्रोसिव हैं और इसको रस्ट नहीं लगता। ये 3D एयर फ्लो भी देगा। इस एयर कंडीशनर में क्वाइट मोड भी है जिससे इस यूनिट के इंडोर का नॉइज लेवल कम हो जाएगा। तो चलिए अब इसके मेन फंक्शन की तरफ आते हैं, वो है इसका वॉइस कंट्रोल।
आप इस एयर कंडीशनर को 38 डिफरेंट कमांड्स के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। वॉइस कंट्रोल फंक्शन को ऑन करने से पहले आपने एक कमांड देनी है, ये हाई एसी या हे एसी हो सकती है। आप 38 डिफरेंट कमांड्स के थ्रू इस एयर कंडीशनर को कंट्रोल कर सकते हैं। और हाँ, इसमें ये लाजमी नहीं है कि ये वाईफाई से कनेक्टेड हो। ये 38 डिफरेंट कमांड्स आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होंगी। तो चलिए अब हम इसकी प्राइस को एक्सप्लेन करते हैं, यानी कि 22 मई 2024 में इसकी प्राइस क्या है। इसकी प्राइस है ₹1,75,000। तो व्यूअर्स, अगर आपको हमसे ये प्रोडक्ट या इसके अलावा कोई भी प्रोडक्ट बाय करना है तो स्क्रीन पे आपको हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, हमारा नुमाइंदा मौजूद होता है, आप रिक्वायरी भेज सकते हैं। जहां तक बात है केनवुड की एयर कंडीशनर पे ऑफिशियल वारंटी की, तो केनवुड अपने एयर कंडीशनर के कंप्रेसर पे 10 ईयर, पार्ट्स पे 1 ईयर और पीसी बोर्ड पे 4 ईयर की वारंटी ऑफर करता है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज।